अब स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। सबको दिख रहा होगा स्क्रीन। देखो, अभी तक हम लोग सेकेंड यूनिट की बात किए। लास्ट लेक्चर में सेकेंड यूनिट खत्म हो गया। जो सेकेंड यूनिट था वो था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड लूप्स इन पाइथन। तो ये सारा कंप्लीट हो गया था और इन सबों का नोट्स में सबको ग्रुप पे शेयर किया जा चुका है। अब देखिए यूनिट थ्री। तो यूनिट थ्री जो है उसमें भी कई पार्ट्स हैं। यूनिट थ्री में भी कई पार्ट्स हैं। तो यूनिट थ्री का जो सबसे जो पहला पार्ट है वो है फंक्शंस। यूनिट थ्री का जो पहला पार्ट है वो है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का क्या मतलब होता है रियल लाइफ में ही या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? फंक्शन, हाउ वी डिफाइन व्हाट इज फंक्शन? तो जिसको समझ में आ रहा है वो बताए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? कहीं भी अगर किसी भी हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है ये जानना है कि फंक्शन किस, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो चाहे वो जनरल लाइफ में हो, कि फंक्शन का मतलब होता क्या है? फंक्शन का मतलब होता क्या है? दो यूनिट कंप्लीट हो गया है और उसके बाद फिर ठीक है। और कोई जो तीसरे यूनिट का फर्स्ट पार्ट है वो है फंक्शन। फंक्शन तो अभी हम यही जानना चाह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन, आइदर इन जनरल लाइफ और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन? जितना आता है उतना ही लिखेंगे ताकि हाँ ठीक है। आंचल जायसवाल, और कोई? दो लोग बताए हैं अभी तक। ठीक है, अवंतिका सिंह, इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, दर्पण अर्पित। ठीक है, मतलब जिसको जिसको जितना आ रहा है वो बता रहे हैं। सही भी है। और भी लोग बताएंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन। चलो देखो, और कोई बताना चाहे अगर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन? जितने लोग बता रहे हैं सही ही है, जितने लोग को जितनी जानकारी हो बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, कहाँ से बता रहे हो ये? नेट से कहीं देख के चाप टीप दी हो क्या? नहीं सर। अवंतिका सिंह, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन। देखो अब फंक्शन का क्या मतलब होता है हम बताते हैं। जितने लोग बताए हैं सही है, जितने लोग बताए वो भी समझेंगे और सुनेंगे, और जितने लोग नहीं बताए हैं वो जरूर सुनेंगे। देखिए अगर हम रियल लाइफ में फंक्शन की बात करें या जनरल लाइफ में बात करें, जैसे अगर आज कोई फंक्शन है, अगर किसी का कोई, अगर कोई बर्थडे है, मान लो किसी का कोई बर्थडे, वो फंक्शन है। तो फंक्शन का क्या मतलब होता है? किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए या किसी न किसी टास्क के लिए हम उसको परफॉर्म करते हैं। अगर किसी का बर्थडे है तो वो टास्क क्या है? बर्थडे है ना, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मतलब उसको फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव या टास्क क्या है? बर्थडे है ना, तो वो भी एक फंक्शन है। वो भी क्या है? एक फंक्शन है। तो इसी तरह अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन बना सकते हैं या फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन इज अ, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। मतलब ये है कि अगर हमें कोई काम करना है या फिर अगर कोई हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है
तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम एक फंक्शन बना दें, उसके लिए हम फंक्शन बना दें, और उसके बाद उस फंक्शन से हम किसी भी टास्क को बड़े इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया फंक्शन, ठीक है। अब देखिए क्यों आखिर में हम फंक्शन बनाते हैं भाई, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यों हम फंक्शन का यूज करते हैं। देखो उसमें फंक्शन, हम फंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर फंक्शन को हम यूज क्यों करते हैं। जैसे जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक कोई प्रोग्राम है या फिर एक कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें 1000 लाइन की कोडिंग करनी है, सबको चैट बॉक्स में दिख रहा होगा। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई कोई फंक कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसमें 1000 लाइन की कोडिंग करनी है, उसमें 56 टाइम्स हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का टास्क परफॉर्म करना है। 56 टाइम्स हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक लगाना है, 56 टाइम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक लगाना है ना। तो फिर से एक बार दे सुनिए कि मेरे पास एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसमें 1000 लाइन की कोडिंग है, जिसमें 1000 लाइन की कोडिंग है, या फिर 1000 लाइन हमें 1000 लाइन हमें लिखना है, ठीक। उसमें 56 टाइम ऐसा है, या 56 बार ऐसा है जिसमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक है, या एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम उसमें लिखना है, ठीक। तो एक सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका है कि एक फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करें, हम प्रोग्रामिंग फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करें और हम 1000वें 1000वें लाइन तक प्रोग्राम लिखें, प्रोग्राम 1000वें लाइन तक लिखे। मान लो 12वें नंबर पे एडिशन हो, मान लो 12वें नंबर पे एडिशन हो, 25वें नंबर 45वें नंबर पे एडिशन हो, 56 नंबर पे एडिशन हो, 89 नंबर पे एडिशन हो, एंड सो ऑन। तो हम बार बार क्या करें, एडिशन का लॉजिक लिखें, और ऐसे ही जो है 1000 लाइन ऑफ कोड्स कंप्लीट हो गया, है ना। ये हो गया नॉर्मल प्रोग्रामिंग, ये सबको समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल प्रोग्रामिंग। भाई 12वें लाइन पे ऐड है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स है, वो लॉजिक हम लिखें, फिर 14वें नंबर पे है वही लॉजिक लिखें, फिर 56वें नंबर पे है वही लॉजिक लिखें, फिर 89th नंबर पे है वही लॉजिक लिखे, फिर 92 नंबर पे है वही लॉजिक लिखे, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया कि 1000 1000 लाइन हम कोड लिखें, और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर वो प्रोग्राम मेरा कंप्लीट होगा। ये एक सिंपल तरीका है, ये एक सिंपल तरीका है प्रोग्रामिंग का। बट इसमें क्या ड्रॉबैक दिख रहा है, इसमें क्या ड्रॉबैक दिख रहा है, इस कोडिंग का जो अभी हम कोडिंग बताए हैं, इसमें क्या ड्रॉबैक दिख रहा है, कोई बताएगा क्या ड्रॉबैक दिख रहा है। ये सबको समझ में आया तो ठीक है, जो हम पूछ रहे हैं या फिर जो समझा रहे हैं, अगर हाँ ठीक है, हाँ, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही अर्पिता, बट और भी, हाँ ठीक है अनुज पांडे, और कोई, सबको समझ में आ रहा है जो ऊपर पूछा जा रहा है, या फिर एक बार और बताया जाए इसको, ऊपर जो बताया गया है। ठीक है, पल्लवी जायसवाल, चल जाए इस बात। देखो तो इसमें क्या है, एक बार और भाई, इसमें यही बोल रहे हैं कि 56 बार में एडिशन ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक लिखना है। तो एक तरीका ये है कि एक नंबर 1 लाइन से शुरू करें, और उसके बाद जहां जहां एडिशन ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक है वो लिखें, और 1000वें लाइन पे ले जाके उसको खत्म करें। तो ये एक आइडियल, ये एक ट्रेडिशनल ट्रेंड है जो प्रोग्रामिंग कर दी है, एक चीज, ठीक। दूसरा अच्छा, इस प्रोग्राम में एक ड्रॉबैक नहीं दिख रहा है, इस सॉफ्टवेयर में एक ड्रॉबैक नहीं दिख रहा है कि वही जो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक है, उसी को हम 56 बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसा दिख नहीं रहा है। 56 बार उसको हम 56 बार उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक। तो अब 56 बार रिपीट कर रहे हैं, तो बार बार वही, तो हम क्यों ना प्रयास करें, या क्यों ना कुछ ऐसा चीज हम बनाएं, या फिर क्यों ना कोई हम एक ऐसा लॉजिक बनाएं जिसको हम एक ही बार बना लें, जिसको हम एक ही बार लिख लें, और उसको जितने बार चाहे, चाहे वो 56 बार, चाहे वो 200 बार, चाहे वो 4 बार, चाहे 8 बार, उसी लॉजिक को हम यूज कर लें, उसी लॉजिक को हम यूज कर लें, बस उसका नाम लिखें। अगर वो 10 लाइन का लॉजिक है, अगर वो 10 लाइन का लॉजिक है, तो एक जगह हम लॉजिक बनाएं, या एक जगह हम लॉजिक लिखें, या एक जगह कोड लिखें, और उसी दसों लाइन को हमें जहां जहां यूज करना है, बस उसके नाम से हम उसको कॉल कर लें। तो क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ कोड दूर होगा या नहीं होगा,
दूर होगा, रिपीटेशन ऑफ कोड नहीं होगा भाई। एक बार हम लिखे और उसका इसको हम बार बार कंज्यूम कर रहे हैं या बार बार इसको यूज कर रहे हैं, तो जहां ये कॉन्सेप्ट आता है, जहां ये कॉन्सेप्ट आता है, उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन, उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं यूज ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, आप सबको समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन? फंक्शन इज अ सेट ऑफ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड लाइन ऑफ कोड्स व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। लाइन ऑफ इंटर रिलेटेड क्यों कोड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जितने भी कोड्स होंगे भाई, अगर हम फंक्शन बनाते हैं, जब उसके अंदर हम आएंगे तो उसके अंदर इसका मतलब फंक्शन की बॉडी बोल रहे हैं, और वो सारे क्या कहलाएंगे, जो फंक्शन की बॉडी है वो क्या कहलाएंगे, फंक्शन के कोड्स कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है उसी फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं, तो वो सारे प्रोग्राम्स क्या, वो सारे लाइन क्या होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि सर प्रोग्राम भी तो सेट, प्रोग्राम भी तो क्या है, प्रोग्राम भी तो यूज टू परफॉर्म एनी टास्क, ये भी तो प्रोग्राम भी तो यही होता है। तो फंक्शन भी प्रोग्राम ही है, फंक्शन भी प्रोग्राम है, बट किसी एक प्रोग्राम का, किसी एक प्रोग्राम का एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल का क्या मतलब होता है, वो इसका एक फ्रैक्शन है या फिर उसका एक पार्ट है। तो कोई भी सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग का तरीका ये होता है, किसी भी सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग का तरीका ये होता है कि वो ओवरऑल प्रोग्राम को, वो ओवरऑल प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे, और हर एक मॉड्यूल का एक फंक्शन बना दे, हर एक मॉड्यूल का एक फंक्शन बना दे। तो इससे क्या होगा, इससे कोड की रीयूजेबिलिटी ज्यादा होगी और कोड का रिपीटेशन कम से कम होगा। कोड की रीयूजेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी और कोड का रिपीटेशन कम से कम होगा, यही कहलाता है फंक्शन, और यही काम है फंक्शन का। तो इसीलिए बोला जाता है कि फंक्शन फंक्शन इज अ सेट ऑफ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टास्क। और वो सारे क्या होते हैं, और वो सारे क्या होते हैं, और वो सारे कोड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो कोड का, अब जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, भाई एक जगह हम ऐड का बना लिए और उसी को 56 जगह हम यूज कर लिए, तो जहां 10 लाइन का कोड था, 10 लाइन 56 बार यूज कर रहे, 56 बार लिखने से बढ़िया है कि एक ही बार हम उसको बना लें, एक बार हम उसको बना लें और उसका 56 जगह केवल एक लाइन ऐड लिख के उसको कॉल कर लिए। ठीक, तो ये होता है। ये होता है फंक्शन और फंक्शन का काम। एक छोटे से प्रोग्राम के एक छोटे से मॉड्यूल को हम बोलते हैं फंक्शन। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है, फंक्शन में पार्ट्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ इन पाइथन फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस हेल्प ब्रेक आवर प्रोग्राम इंटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स। चंक्स का मतलब होता है पीसेस, जो भी बताया गया है, स्मॉल और छोटे छोटे मॉड्यूलर में तोड़ देता है। एज आवर प्रोग्राम ग्रोज लार्जर एंड लार्जर फंक्शन मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेजेबल। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड और ऐसे तरीका, ऐसे तरीके से उसको सिस्टमेटिक तरीके से सेट कर देता है जिससे हम प्रोग्राम को मैनेज करना या फिर सॉफ्टवेयर को मैनेज करना आसान है। फर्दर मोर इट अवॉइड्स रिपीटेशन एंड मेक्स कोड रीयूजेबल। जो ये बताया गया है कि रिपीटेशन को अवॉइड करता है और कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। और एरर, एरर भी फाइंड करने में, भाई एरर क्या है, अगर कोई एरर आता है, अगर कोई एरर आता है तो वो क्या करेगा, अगर वो एरर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर फंक्शन में एरर है, यहीं पर हमें काम करना है या फिर कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो हम सीधे सीधे उसी फंक्शन में मॉडिफाई करेंगे और पूरे पूरे लॉजिक में, पूरे पूरे प्रोग्राम में जहां जहां उस नाम का फंक्शन है वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो उसके आगे, किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए या किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए उसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि वो फार्मूला या वो फार्मूला या वो स्ट्रक्चर जिसको हम यूज करके फंक्शन बनाते हैं। तो सिंटैक्स ऑफ फंक्शन देखो, हम यूज करते हैं डेफ कीवर्ड। क्या यूज करते हैं, डिफाइन का मतलब, डिफाइन डिफाइन को हम यूज करते हैं डेफ कीवर्ड से, डेफ कीवर्ड। उसके बाद माई फंक्शन,
ये फंक्शन का नाम है, माई फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन का नाम है। अब कोई पैरामीटर्स अगर हमें देने हो, कोई पैरामीटर्स देने हो, तो वो पैरामीटर्स हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं मेथड, तो उस सी में जैसे बनाते थे, तो उसी तरह जो है हम पैरामीटर जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक का क्या मतलब है कि अब जैसे ही हम फंक्शन के अंदर हमें आना है, तो हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे। और आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंबल यूज होता है कोलन। अब फंक्शन के अंदर हम जैसे आएंगे, वो कहलाएगा फंक्शन की बॉडी या फंक्शन का ब्लॉक। और उसके बाद रिटर्न एक्सप्रेशन, अगर कुछ रिजल्ट रिटर्न हो रहा है तो वो आ जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट में, रिटर्न एक्सप्रेशन, नहीं तो फिर रिटर्न क्या हो जाएगा, ब्लैंक छूट जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि इस सिंटैक्स में कौन कौन से प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं और कौन कौन से यूजर डिफाइंड वर्ड्स हैं। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग में कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, कुछ यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। तो जो ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से प्री डिफाइंड वर्ड हैं और कौन कौन से यूजर डिफाइंड वर्ड हैं। क्यों, कौन कौन से प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं और कौन कौन से यूजर हैं। हाँ ठीक है, अवंतिका, अर्पित, हाँ दर्पण, ठीक है। और कोई, हाँ, तो सब लोग मैक्सिमम लोग बता ही ले रहे हैं। एक जो डेफ है, डेफ कीवर्ड है, ठीक है अनुज, डेफ जो है सब लोग बता रहे हैं, सही है। डेफ जो है वो प्री डिफाइंड वर्ड है। प्री डिफाइंड वर्ड का मतलब है कि इसको हमें लिखना ही लिखना है, ठीक। उसके बाद रिटर्न जो है, रिटर्न भी प्री डिफाइंड वर्ड है, इसका मतलब इसको हमें लिखना ही लिखना है। ये सारे कीवर्ड्स हैं। प्री डिफाइंड वर्ड का मतलब, प्री डिफाइंड वर्ड का मतलब वो वर्ड जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर जो प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक। अब उसके आगे आइए, लेट अस अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डिफिनेशन, कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसका सिंटैक्स समझा जाए। द डेफ कीवर्ड अलोंग विद द फंक्शन नेम इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड का। द आइडेंटिफायर रूल मस्ट फॉलो द फंक्शन नेम, तो द आइडेंटिफायर रूल मस्ट फॉलो द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम आइडेंटिफायर के बाद फंक्शन नेम, द फंक्शन एक्सेप्ट द पैरामीटर और आर्गूमेंट एंड दे कैन बी ऑप्शनल। अगर कोई पैरामीटर या आर्गूमेंट है, अगर कोई पैरामीटर या आर्गूमेंट है तो वो फंक्शन के नाम के बाद होगा ब्रैकेट के अंदर, अदरवाइज ये एक ऑप्शनल है। पैरामीटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर क्या है, द फंक्शन ब्लॉक इज स्टार्टेड विद द कोलन एंड ब्लॉक स्टेटमेंट्स मस्ट बी एट द सेम आइडेंटिफिकेशन। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब हम फंक्शन के अंदर जाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन यूज करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोलन यूज करते हैं। और ये बोला है एंड ब्लॉक स्टेटमेंट मस्ट बी एट सेम आइडेंटिफिकेशन, मतलब फंक्शन के बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे सेम आइडेंटिफिकेशन पे होंगे। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू और फंक्शन कैन हैव ओनली वन रिटर्न। अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, ठीक। एक फंक्शन में केवल और केवल एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। अब फंक्शन को तो हम डिफाइन कर लिए, बट हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। फंक्शन को हम डिफाइन तो कर लिए, बट हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, देखिए। हाँ एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन, डिफाइनिंग अ फंक्शन ओनली गिव्स इट अ नेम, स्पेसिफाइज द पैरामीटर्स दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर द ब्लॉक्स ऑफ कोड। ये वही लिखा हुआ है कि फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया। इन पाइथन
After the function is created, we can call it from another function. A function must be defined before the function call, otherwise the Python interpreter gives an error. To call the function, use the function name followed by the parenthesis. क्या बोल रहा है कि एक क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, और किसी फंक्शन को कॉल करने से पहले वो फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है। क्यों पाइथन में ये जरूरी है? पाइथन में ये जरूरी क्यों है कि किसी फंक्शन को कॉल करने के पहले या एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले उसको फंक्शन को डिफाइन किया जाए? ये पाइथन में जरूरी है। पाइथन में क्यों ऐसा जरूरी है? तो उस फंक्शन को कॉल करने से पहले उसको डिफाइन किया जाए। हाँ अनुज पांडे चाहिए, और कोई? हाँ क्यों एरर आ रहा है, वही चीज है। अवंतिका सिंह, हाँ अनुज पांडे ठीक है, बस एक ही अवंतिका सिंह भी नहीं। ऑब्जेक्ट क्लास की बात अभी कहाँ हो रही है भाई, अभी तो हम कुछ पता ही नहीं है, हम वही पूछते हैं जितना हम बताए रहते हैं। बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन और उसका आसान सा आंसर। केवल अनुज पांडे अभी तक बता पाए हैं सही, और कोई? सौम्या मिश्रा सही है। और पल्लवी जायसवाल, और सब लोग बताएं, और तो दर्पण। क्योंकि यार क्योंकि चल जाए, हाँ क्योंकि ये इंटरप्रेटर पे काम करता है ना, इंटरप्रेटर पे काम करता है भाई। जो इंटरप्रेटर पे काम नहीं करता वो क्या है, ऊपर हम फंक्शन को कॉल कर ले और नीचे उसको डिफाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इंटरप्रेटर पे काम करता है वो लाइन बाय लाइन चलता है, तो लाइन बाय लाइन जब चलेगा तो अगर हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब वो क्या कर, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और फंक्शन को डिफाइन किए ही नहीं है, फंक्शन को नीचे डिफाइन किए हैं, तब तो वो कुछ जान नहीं रहा है, वो क्या देगा? वो देगा एरर, वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसको फंक्शन मिला ही नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि फंक्शन को कॉल करने के पहले या फिर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के एग्जीक्यूट करने से पहले इसको डिफाइन करना जरूरी है, इसीलिए बोला गया। फिर क्या लिखा गया है, टू कॉल द फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। उसको कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट। देखो एक क्वेश्चन, एक प्रोग्राम छोटा सा, हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करवा रहे हैं। वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन इन विच वी हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाए वही ऊपर वाला सिंटैक्स यूज करके, क्या हम लिखेंगे, डेफ लिखेंगे, डेफ कीवर्ड लिखेंगे, डेफ टू डिफाइन द फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नाम हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के नीचे अंडरस्कोर लगाया गया, अगर अंडरस्कोर न लगाया जाए तो ये अलग अलग वर्ड यूज कर लेगा, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स, हम पैरामीटर्स कुछ नहीं रख रहे हैं, हम पैरामीटर कोई डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट। उसके बाद अब फंक्शन के अंदर हमें जाना है या फंक्शन के अंदर लिखना है, तो जाहिर सी बात है आइडेंटेशन यूज करेंगे, आइडेंटेशन के लिए हम कोलन का सिंबल यूज करते हैं, जैसे ही कोलन लगाए तुरंत आ गया। अब ये जो है प्रिंट जो लिख रहा है या फिर इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे स्टेटमेंट फंक्शन के हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, इसको हम कहीं भी यूज कर लें, इसको हम प्रोग्राम के 10वें लाइन में, 12वें लाइन में, 20वें लाइन में, 100वें लाइन में, 400वें लाइन में कहीं भी यूज कर लें,
तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम इसको यूज करेंगे, जैसे ही हम इसको यूज करेंगे तुरंत ये छपेगा हेलो वर्ल्ड। तुरंत ये क्या करेगा, तुरंत एग्जीक्यूट करेगा और वो आउटपुट दे देगा हेलो वर्ल्ड। अब कॉलिंग कैसे करना है फंक्शन की, देखो फंक्शन की कॉलिंग करना है नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस या ब्रैकेट। इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट, कोई वैल्यू रिटर्न कर नहीं रहा है, तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन को डिफाइन करना है। अगर हमें फंक्शन को डिफाइन करना है तो डेफ कीवर्ड यूज करेंगे। डेफ फंक्शन का नाम कुछ भी नाम, ये तो यूजर डिफाइन है, हम कुछ भी नाम लिख दे सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब फंक्शन के अंदर आना है तो कोलन। अब फंक्शन के अंदर आ गए कोलन, अब फंक्शन से क्या क्या काम करवाना है वो सारा काम यहाँ हम लिख दें। अब फंक्शन से क्या क्या काम करवाना है वो सारा काम यहाँ लिख दें। हमें प्रिंट करवाना है एक स्टेटमेंट, जो भी प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड इट्स ठीक है, सही कर रहे हैं, इट्स पाइथन फंक्शन। यहां छूट गया था पैरेंथेसिस, इट्स पाइथन फंक्शन। ठीक है, अब ये है, अब इस फंक्शन से बाहर आना है, फंक्शन बन गया, फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करें, फंक्शन का नाम लिखें। सबसे पहले हम फंक्शन का नाम लिखें, अगर कोई पैरामीटर की वैल्यू होती तो यहाँ हम देते, अभी आगे आप देखेंगे, बट पैरामीटर की वैल्यू है नहीं, तो हेलो वर्ल्ड और उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस हो गया बस। अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाएं, हो गया, इसको एग्जीक्यूट करवाएं। 28 मई EC.py इसको एग्जीक्यूट करवाएं, रन करवाएं इसको। फंक्शन का टास्क जो था वो हो गया, फंक्शन का टास्क जो था वो हो गया, हेलो वर्ल्ड इट्स पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसको कोई बोलेगा कि सर ये तो कहीं भी हम इसको यूज कहीं कैसे भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर का जो काम है, ये काम हेलो वर्ल्ड हम कहीं भी किस प्रोग्राम में हम कहीं भी लिखें, बस ये हेलो वर्ल्ड हम यूज कर ले, तुरंत यही प्रिंट हो जाएगा हर जगह, हर जगह। ठीक है, तो ये है फंक्शन का, ये है फंक्शन और इसको कैसे कॉल करते हैं। अब उसके आगे देखा जाए, अब रिटर्न वाला देखा जाए, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब द रिटर्न स्टेटमेंट क्या हो करता है और उसका सिंटैक्स क्या है। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द फंक्शन एंड रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। इट टर्मिनेट्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफर्स द रिजल्ट वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड। द रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है कि फंक्शन के एंड में यूज होता है, फंक्शन के एंड में यूज होता है भाई, तभी तो रिटर्न होगा ना, जब पहले फंक्शन काम कर लेगा, जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा वही रिटर्न में आ जाएगा। ठीक, अब फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए या फिर जब वो लाइन आ गया तो इसका मतलब पाइथन ये समझ जाएगा कि अब फंक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गया या फिर फंक्शन खत्म हो गया, उसके लिए हम यूज करते हैं रिटर्न। ठीक, अब लिखते कैसे हैं, रिटर्न उसके उसके बाद एक्सप्रेशन लिस्ट, जो भी एक्सप्रेशन या भी जो भी वैल्यू आनी है वो हम लिखते हैं रिटर्न, उसके बाद उसको लिखते हैं। और देखिए क्या लिखा गया है यहाँ, इट कैन कंटेन द एक्सप्रेशन विच गेट्स इवेल्यूएटेड एंड वैल्यू इज रिटर्न टू द कॉलर फंक्शन। इफ द रिटर्न स्टेटमेंट
इट कैन कंटेन द एक्सप्रेशन विच गेट्स इवेल्युएटेड एंड वैल्यू इज रिटर्न टू द कॉलर फंक्शन. इफ द रिटर्न स्टेटमेंट हैज नो एक्सप्रेशन और डज नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ इन द फंक्शन देन इट रिटर्न्स द नन ऑब्जेक्ट. अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा, या फिर हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं. ठीक, तो ये आपका रिटर्न स्टेटमेंट है. ये रिटर्न स्टेटमेंट है कि क्या रिटर्न करता है. अब